इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाने की बात याद रखनी। अजय देवगन की मैदान को जितने बढ़िया रिव्यूज मिल रहे हैं, ये फिल्म उतना बढ़िया कमाई क्यों नहीं कर रही? देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। आप इसे लापरवाही कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं, क्योंकि फिल्म जो जो देख रहा है वो फिल्म की तारीफ तो कर रहा है, लेकिन जब प्रमोशंस में ही कोई जोर नहीं लगाया और ऊपर से इसे क्लैश में ही फंसवा दिया तो भाई क्या ही होगा। ये बात है। वरना अजय देवगन की अभी कुछ दिनों पहले ही शैतान रिलीज हुई थी, उस फिल्म को लेकर इतनी ज्यादा हाइप थी और फिल्म ने कलेक्शन भी बढ़िया किया था। बात तो सही है। वैसे आप इसे क्या कहना चाहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर बैड लक? और आपके हिसाब से मैदान कमाई क्यों नहीं कर पा रही, मुझे कमेंट करके बताएं। और फिलहाल क्या चल रहा है मैदान का बॉक्स ऑफिस पर हाल, दैट आई टेल यू इन दिस वीडियो। हाय, मैं हूं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं अनकट। अजय देवगन स्टारर मैदान और अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़ी मियां छोटे मियां रिलीज हो गई हैं। और मैं सबसे पहले देखने गई थी मैदान क्योंकि 10 तारीख को कुछ जगह ना फिल्म के शोज अवेलेबल थे, एंड थैंक गॉड कि मैंने वो फिल्म पहले देखी, क्योंकि अच्छी चीजों को पहले ही देखना चाहिए, मूड ठीक रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और क्योंकि ये एक बायोपिक भी है, रियल इवेंट्स पर बेस्ड फिल्म है, तो इस फिल्म को देखने में और ज्यादा मजा आया। एक्टिंग, स्टोरी, कैमरा वर्क एंड म्यूजिक बहुत ही बढ़िया। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि सभी ने इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स और रिव्यूज दिए हैं, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर नंबर्स इतने कम क्यों चल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। आज कान बंद करके खेलना। इस फिल्म के ओपनिंग डे को लेकर प्रेडिक्शंस थे कि इसकी इतनी कम हाइप को देखते हुए भी ये फिल्म कम से कम 10 करोड़ तक का कलेक्शन तो कर ही लेगी अपने ओपनिंग डे पर, लेकिन क्योंकि ईद की वजह से एक दिन आगे फिल्म को खिसका दिया और कुछ जगह 10 तारीख को भी शोज अवेलेबल थे, फिर भी अपने ओपनिंग डे पर फिल्म ने वेडनेसडे और थर्सडे के कलेक्शन को मिलाकर 7.25 करोड़ का कलेक्शन किया। फ्राइडे को ये नंबर्स और ज्यादा डिप हो गए और 2.80 करोड़ का कलेक्शन किया। सैटरडे को 5.65 करोड़ का कलेक्शन किया इस फिल्म ने और संडे को 6.52 करोड़ का कलेक्शन हुआ, यानी कि अभी तक इस फिल्म ने टोटल 22.22 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। जहां अजय देवगन जैसे बड़े स्टार की फिल्म हो, ईद का मौका हो और साथ में एक्सटेंडेड वीकेंड, इन सब के बाद भी फिल्म की ये हालत है। अच्छा, वर्ड ऑफ माउथ भी कोई काम नहीं आया और ये 22 करोड़ तो ओपनिंग डे में गिने जाते हैं किसी भी बड़े स्टार की फिल्म के, और यहाँ सिर्फ 5 दिन बाद ये हाल है। अब चलो फिल्म के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप स्पोर्ट्स ड्रामा लवर हो तो भी बढ़िया, और अगर नहीं भी हो तब भी आपको ये फिल्म देखकर मजा आएगा, क्योंकि ये एक रियल इवेंट बेस्ड स्टोरी है, तो इसलिए भी आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी। फिल्म बेस्ड है फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल कहे जाने वाले अब्दुल सईद रहीम जी की लाइफ पर, और ये 1952 से 1962, जिसे गोल्डन एरा ऑफ फुटबॉल भी कहा जाता था, उस टाइमलाइन पर स्टोरी सेट है। इंडिया में फुटबॉल देखने वाले और खेलने वाले दोनों की गिनती ना उतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रिकेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और किसी भी स्पोर्ट्स के आगे, लेकिन जब जब फिल्म के अंदर फुटबॉल मैच वाले सीक्वेंसेस आते हैं तब तब ना मज़ा आ जाता है, और ये मज़ा थिएटर में तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सच में आप कोई फुटबॉल मैच ही देख रहे हो। एंड कैमरा वर्क तो फिल्म में कमाल का है, और ऊपर से मैच के पीछे AR रहमान साहब का बैकग्राउंड म्यूजिक समा बांध देता है, मजा आ गया एकदम, बाय गॉड। और आपको ये भी लगेगा कि पूरी फिल्म को अजय देवगन ने अपने कंधे पर उठाया हुआ है, क्योंकि फिल्म के अंदर ज्यादा नोन फेसेस नहीं थे। पॉपुलर फेसेस में सिर्फ अजय देवगन के अलावा गजराज राव हैं, जो कि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका काम अच्छा है, और या फिर प्रिया मनी है जो अजय देवगन की वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जिनकी इंग्लिश सुनकर ना आपको बीच बीच में काफी हंसी भी आ जाएगी। बाकी लाइक आई टोल्ड यू पहले भी कि जो फुटबॉल टीम वाली कास्ट है वो काफी बढ़िया कास्टिंग हुई है। पहला तो क्राइटेरिया यही था कि उन्हें फुटबॉल खेलना आना चाहिए, और दूसरा कि काफी सिमिलर से दिखने वाले लोगों को कास्ट किया गया है, और उन्होंने अपना काम बढ़िया किया है, मतलब मुझे तो अच्छा लगा। ओवरऑल ना फिल्म की स्टोरी, फिल्म में एक्टिंग, और सबसे मजेदार है इसका क्लाइमेक्स वाला सीन, उस मैच में आपको फुल फील आ जाएगी। ये सभी चीजें फिल्म की कमाल की हैं। पर क्योंकि फिल्म में और फिल्मों की तरह थोड़ा ड्रामा कम देखने को मिलेगा, और इसी वजह से ये कुछ लोगों को थोड़ी सी फीकी लग सकती है, बट मुझे इसी वजह से ये ज्यादा अच्छी लगी कि काफी रियल रखने की कोशिश की गई है, बहुत ज्यादा ड्रामा एडिंग किया गया। लेकिन अच्छी फिल्म होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर ऐसा हाल सिर्फ मैदान का नहीं है, बल्कि और कुछ रिसेंट रिलीजेज का भी ऐसा ही हाल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा को ही ले लो, फिल्म अच्छी थी, स्टोरी लाइन बढ़िया, एक्शन बढ़िया, कैमरा वर्क एंड एक्टिंग उधर भी बढ़िया, लेकिन वीक प्रमोशंस एंड लेस हाइप के चक्कर में उस फिल्म का भी ऐसे ही नुकसान हुआ है। और उससे पहले अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज के साथ भी सेम ही चीज हुई थी, वहां पर भी हल्का प्रमोशन था और कोई खास
हाइप नहीं थी फिल्म की, पर खैर इस बारे में अलग से दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप मुझे बताओ कि क्या आपने मैदान देख ली है, और अगर हाँ तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्हाट्सअप साक्षी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आप देख रहे थे अनकट।